जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:31 हुई है, 3:31 PM, और अभी 1 मिनट पहले मार्केट क्लोज हुआ है। तो डिस्क्लेमर पहले पढ़ लेते हैं। दिस इज़ द डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ भी रहता है, एवरी वीडियो में। इसको पढ़े बिना आप वीडियो मत देखिए, बिकॉज इसमें जो लिखा वो आपको मानना पड़ेगा, तभी आप इस वीडियो को देखिए। चलिए, चलिए आखिरी के कुछ ट्रेड्स क्या हुए वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा व्हाट ए ड्रास्टिक टर्न अराउंड, 28 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्लस में आ गया निफ्टी, ऑलमोस्ट प्लस में, और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट प्लस दिखा रहा आपको, ठीक है। ठीक है, मेरा टारगेट आज 600 का था, 600 नहीं हुआ, ये 245 क्रॉस करना था, नहीं हुआ। लेकिन मैंने आप लोग को एक जैकपॉट बीच में दे दिया कि 34 में इसको बाई कर लीजिए, 11100 का कॉल, जिसका आज लो बना था 28.30, और मैंने बोला ये कल तक के लिए टारगेट 100 रुपये है। कितना? तो लास्ट ट्रेड आप देख सकते हो 76 रुपया, 34 का माल 76। ये अपने आप में साबित करता है कि किस लेवल की हम लोग नॉलेज रखते हैं। किस लेवल की नॉलेज रखते हैं, और क्यों मैंने बोला था कि क्यों मत मारिए शॉर्ट बिल्कुल भी, तो आपको इसका साबित हो गया कि देखिए 830 जाके बैंक निफ्टी 21298 का 300 का लास्ट ट्रेड हो रहा है। समझ में आया? ये बहुत बड़ी बात है, प्लस में बंद हुआ, ये बड़ी बात है। दूसरा बात, वेज के अंदर वापस रह गया, अपने आपको साबित कर दिया कि वेज के अंदर ही है, क्योंकि मैंने कल भी आप लोग को वेज के लेवल बहुत इंपॉर्टेंटली बताए कि भैया 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख सबका लिखा था मैंने। तो चलिए देखते हैं पहले वो वेज के लेवल्स, इसलिए मैंने इसको सेव करके रखा है ताकि ये साबित हो जाए कि इसकी ताकत है, तो क्लोज करके दिखाए। कल भी आपको 139 की क्लोजिंग आई थी, आज 21080 के नीचे नहीं आना था क्लोजिंग, आज 21080 के, और 940 के ऊपर ब्रेकआउट था। लेकिन कल कल ध्यान रखिएगा, कल ये ब्रेकआउट आ सकता है। कौन सा ब्रेकआउट? 21715 के ऊपर का, कल बहुत ज़्यादा चांसेस है ये ब्रेकआउट कल आ जाए। कल का ब्रेकआउट और क्या लेवल है, कल का लेवल है 20980 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए कल के लिए, क्योंकि ये रिड्यूस होता है। देखिए इसकी साइज़ जो है वो रिड्यूस होती जाती है एज इट गोज बिलो, और जहाँ जाके ये लोग मिल जाते हैं, तो ये विड्थ, इसकी विड्थ जो है रिड्यूस होती, तो ये विड्थ यहाँ थी, अगर 21 तारीख, 22 तारीख को यहाँ थी, तो 23 को यहाँ आ गई विड्थ, तो इसलिए ये फिगर कम होते जाता है जो रेंज है, ठीक है। तो अब कल के लिए क्या लेवल है, 22980 के नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए, इंट्राडे में जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। 21715 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर शायद ही किसी बियर्स को भगवान भी बचाए, क्योंकि 2375 पॉइंट उसके बाद इसका भागना लगभग तय रहेगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि 2 ही दिन में भाग जाएगा, 10, जिस दिन ये ब्रेकआउट आएगा उससे 10 से 12 ट्रेडिंग डेज में ये 2375 पॉइंट और मूवमेंट देगा ऊपर की तरफ, ठीक है। हाँ, ब्रेकडाउन मतलब ये फेल होने का मतलब, ब्रेकडाउन इसमें नहीं होता, इसमें फेल होता है। अगर इसके नीचे क्लोज करता है कल तो फेल हो जाएगा 20980 के नीचे, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैंने सेव कर रखा था, आपको दिखा दी, बार बार इसको बनाना और हेडेक नहीं रखना, ठीक है। तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं क्यों तेजी बोल रहा हूँ जबकि मार्केट मंदा है, तो मैं इतना पागल नहीं हूँ यार। इस पीसीआर पे मैं सेल करने कभी भी नहीं बोलूँगा। मार्केट खींच नीचे क्यों लाया? क्योंकि जितने रिटेलर्स थे वो पुट शॉर्ट करके बैठे थे बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में, तो उनको रुलाना था, और ताकि और उन्होंने कॉल बाई कर रखे थे, तो उनका कॉल को भी गलाना था। अब कल क्या होगा, एवरी राइस पर लोग शॉर्ट करेंगे मार्केट को, क्योंकि
क्योंकि किसी को भी ये नहीं लग सकता है कि निफ्टी नेक्स्ट सीरीज में 12,000 भी जा सकता है, ये किसी को लगने वाला नहीं है। लेकिन मैंने कल ही एक वीडियो बनाया कि 12,000 भी जा सकता है क्या निफ्टी। तो ये जब भी कोई बड़ी तेजी आनी होती है तो पहले ऐसा तूफान लाता है मार्केट कि लगता है बहुत बड़ी मंदी आ गई। ठीक है, मंदी तब साबित होती, तब अगर आज ये 11,028 का लो बनाया ना तो ये 11,050 के नीचे क्लोज करता। ठीक है, ये 830 का लो बनाया तो ये 900 के करीब क्लोज करता, ना कि 21,178 के करीब, है ना। इसको बोलते हैं मंदी नहीं है, ये है स्नैचिंग फ्रॉम पब्लिक एट लोअर रेट्स। एफआई ने क्या किया, एफआई ने 7,500 पे आपसे सारा माल खींचा था, फिर उसको धीरे धीरे हर स्टेप में 9,000 पे कुछ बेचा, 9,500 पे कुछ बेचा, 10,000 पे कुछ माल बेचा। अब एफआई के स्टॉक फ्यूचर्स के डाटा अगर आपको देखना आता है, स्टॉक फ्यूचर्स के, तो आप चेक करिए 7,500 के बाद एफआई ने कंटिन्यू स्टॉक फ्यूचर बाई किया। उनकी उनके पास क्वांटिटी आ रही थी 6 लाख के ऊपर। मैं दिखाता हूँ, चलिए आपको आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चलिए मैं वेबसाइट से दिखाता हूँ आपको। आज मैं वीडियो में एक आपको एक और नॉलेज दे देता हूँ। ये जो आप लोग निफ्टी फ्यूचर में बाई है या सेल है उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं आपको एक बड़ी चीज़ दिखा देता हूँ, वो सीख जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, मैं देखिए, मैं मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आपको तेजी कराऊं या मंदी कराऊं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं क्यों तेजी बोल रहा हूं जबकि मार्केट गिर रहा है। तो मैंने ही गिरावट की चैलेंज की थी, है ना, गिरावट भी आई, लेकिन ये गिरावट सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि 29 अक्टूबर तक एफआई का शॉर्ट सेलिंग पे फिर से बैन लग गया है, एक्सटेंड हो गया, जो कि 24 सितंबर तक था और ये मार्च 20 तारीख से लागू हुआ। ये एक्सटेंड होते होते हर सीरीज़ में एक्सटेंड हो रहा है। तो जब तक इनको शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं होगी, ये लोग मार्केट को गिरने नहीं देंगे, ये नीचे में बाई करके ऊपर धीरे धीरे बेचेंगे, जैसे 7,500 के टाइम में, क्योंकि 20 तारीख को ये इम्प्लीमेंट हुआ था शॉर्ट सेलिंग पे बैन, 20 मार्च को, और 24 तारीख से देखिए इन्होंने बाई करते गए और आपको और हमको रुलाते गए। जो लोग शॉर्ट बता रहे थे कि निफ्टी 5,000 जाएगा, 6,000 जाएगा, तो इस लॉजिक को अगर आपको समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका पैसा, मैं आपको जबरदस्ती आपका गला दबा के नहीं बोल सकता हूँ कि आप बाई करके खेलिए या सेल करके, मगर बैंक निफ्टी मैं सेल करके नहीं खेलूँगा, इतना मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, और मैंने यही दावा किया, मैं निफ्टी पे इतना ये बुलिश नहीं हूँ, लेकिन निफ्टी भी ऑटोमेटिकली बढ़ना ही है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो डाटा, कल तक का डाटा आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये फाइल है, ये NSE की फाइल से मैंने डाउनलोड किया, अब ये खुल जाएगा अभी एक्सेल शीट। ये कल वाली आएगी क्योंकि आज वाली जो आती है फाइल वो 7:30 या 8 बजे आएगी। ठीक है, अपडेटेड, तो ये कल तक की है। कल तक क्या था, आप देखो FIs, इसमें FIs क्लाइंट मतलब रिटेलर्स, DI मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, प्रो मतलब वो प्रो ट्रेडर्स। ठीक है, तो आप देखो FI के पास कल की डेट तक इंडेक्स फ्यूचर में बाई था इनका 81,072,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल था। स्टॉक फ्यूचर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 6,61,000 बाई था, 5,28,000 सेल था, शॉर्ट सेल था, यानी कि नेट में अगर आप देखो तो लगभग 1,64,000 क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट इनका नेट में स्टॉक फ्यूचर में बाई था, 1,64,000 जो कि मार्च के बाद 6 लाख भी पहुंचा, मार्च 24 के बाद 6 लाख नेट पहुंचा, नेट वहाँ से घटाते घटाते अब इनके पास क्या बचा, 1,64,000 बचा। अब ये लोग 1,64,000 क्यों बचा, क्योंकि ये लोग 11,700 से शॉर्ट करते 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 इस क्वांटिटी को घटा लिए, जो कि नेट में 6 लाख था, नेट में मतलब दिस माइनस दिस 6 लाख था वो, फिर उसको 4 लाख किया, फिर 2 लाख, अब 1,64 पे खड़े। तो अब इनको माल जमा करना है, कल इन्होंने एडिशनली जमा किया, कल का डाटा अगर आप चेक करो तो कल इन्होंने 12,000 क्वांटिटी जमा किए,
यानी कि ये लोग बाइंग, और आज का आप चेक कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, कल का है, आप लोग फोटो खींच लीजिए जैसे, तो आज का हम लोग नेट निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज और आज शाम को जो डाटा आएगा उसमें नेट अगर बढ़ेगा स्टॉक फ्यूचर में, तो समझ जाइए ये लोग फिर से एक्यूमुलेट कर रहे हैं। बस आपको एक टेक्निक सिखा दिया मैंने, ठीक है। दिस माइनस दिस, ठीक है, नहीं दिस, अरे यार, इक्वल टू दिस माइनस दिस। 1,32,000 इनके पास नेट नेट बाइंग है कल तक की डेट में, ठीक है, ये कल तक का डाटा आप देख सकते हो। तो आज अगर इसमें बढ़ोतरी होती है, आज आप रात को डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा, तो समझ जाना ये लोग नेट पोजीशन बढ़ा रहे हैं स्टॉक फ्यूचर में, क्योंकि इनको ये जो कैश का डाटा दिखाते हैं वो उल्लू बनाने के लिए दिखाते हैं, ठीक है। मेन इनका खेल यहीं से होता है। तो अगर ये बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ने वाला है, अगर ये घटेगा आज 1:32 से नेट, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस मत करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर उल्लू बनाने के लिए पोजीशन करते हैं, ये असली पोजीशन है। स्टॉक्स के थ्रू इंडेक्स बनता है, स्टॉक्स फ्यूचर के स्टॉक मतलब ए ग्रुप के स्टॉक, यानी कि निफ्टी 50 वाले स्टॉक ही ये लोग बाई करते हैं। तो अगर वो इन उनकी नेट पोजीशन आज 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, मार्च मार्च 20 मार्च से जब ये इनको इम्प्लीमेंट हुआ, तब इन्होंने इस पोजीशन को नेट पोजीशन को 6,00,000 बना लिया था, कितना 6, वहाँ से घटाते घटाते अब 1:32 पे आ गए। अब इनके पास ज़्यादा माल बचा नहीं, और इनको शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग पे बहना है, तो अब इसको इनको वापस इसमें माल भरना पड़ेगा बिफोर गोइंग शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि इनके पास यहाँ माल होना पड़ेगा तभी ये शॉर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इनको बाइंग अलाउड है लेकिन शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है, तो इनके पास जो माल होगा वही बेच सकते हैं। तो इसको इसको ये लोग बढ़ाएंगे, और इसकी क्वांटिटी अगर आज बढ़ती है तो ये समझ जाना अगली सीरीज बहुत बड़ी तेजी वाली है, बस इतना बता दो। तो आज कल तक का 1:32 नेट आ रहा है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं आज आपको एक स्ट्रेटेजी सिखाती हूँ। अगर इसमें बढ़ता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट सीरीज इज अ बुलिश सीरीज, और अगर घटता है आज 1:32 से तो नेक्स्ट सीरीज इज ए बियरिश सीरीज। आज पता चल जाएगा आपको, आज का मार्केट तो गिरावट का था, फिर भी अगर इनकी स्टॉक फ्यूचर में नेट बाइंग हुई होगी, यानी कि एडिशन हुआ होगा, तो समझ जाइएगा कुछ ना कुछ घपला है, ये जो मंदी है ये आपसे माल खींचने के लिए आई है, ठीक है। और मैं आपको सिल्वर का भी बताया था, आपको याद होगा, सिल्वर का भी मैं हमेशा इस पर ध्यान रखता हूँ, मैंने आप लोग को एक वीडियो गोल्ड सिल्वर पर बताया था कि ब्रेकडाउन आने के बाद कितना मंदी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, चार्ट खुलने में भी टाइम लगेगा, सिल्वर का भी ब्रेकडाउन आने के बाद इसने जबरदस्त, चले सिल्वर का छोड़िए, ये सब चक्कर में जाना नहीं अपने को, अरे यार क्या हो गया इसको, नेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, एक सेकेंड मैं नेट मोबाइल से ले लेता हूँ, नेट चेंज करके मोबाइल से ले लेता हूँ, ठीक है, अब नेट चालू हो जाएगा। तो ये आपको गोल्ड सिल्वर चालू, आप देखिए गोल्ड कहाँ से कहाँ आ गया, मैंने आप लोग को बोला था ब्रेकडाउन के बाद बड़ी गिरावट, और मैंने मुझे पता था ये 58,000 तक आएगा, अब ये यहाँ से सिल्वर जो 58,980 चल रहा है एक बार 63,000 तक जाएगा, कितना जाएगा 63, वहाँ से फिर से 50,000 रहेगा, ठीक है, ब्रेकडाउन के कारण बता रहा हूँ, बाकी ये कोई एडवाइस नहीं है, ठीक है, कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है भाई साहब। अब मैं आ जाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे, एक्चुअल में क्या हुआ, तो वो डाटा मैंने आपको दिखा दिया था क्या हुआ उसमें,
ठीक है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी का आज का चार्ट देखते हैं। फिर से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाऊंगा आज। पहले तो डेली चार्ट देख लेता है, फिर हम लोग इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे कहाँ खेल के। ये आज का डेली चार्ट में आज भी एक नया लो बना, ठीक है, और आज का लो बना 11024, यानी कि 11000 के क्रूशियल लेवल को इसने बचा लिया। अब देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी जो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इसमें एक ट्रेंड लाइन टानते हो तो कहीं ना कहीं निफ्टी कब खराब होगा ये आपको पता चल जाए। निफ्टी अगर सचमुच में जिस दिन ये लेवल तोड़ेगा 10950 के नीचे जिस दिन क्लोज दे देगा, उस दिन निफ्टी का आप लोग स्वाहा कर देना निफ्टी को। ये कैसे बताया मैंने, इस लो से इस लो को कनेक्ट किया तो 10950, यानी कि निफ्टी एक बार वापस यहाँ तक भी दिखा सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एक और डिप 950 तक की दिखा सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बट ये सपोर्ट लाइन बहुत बड़ी सपोर्ट लाइन है, ठीक है। निफ्टी का डेली चार्ट से मैंने आपको बताया, और इसको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा ये भी बता देता हूँ। जब अगर इसमें तेजी भी होगी तो इसको ये लेवल पार करने में बहुत कठिनाई होगी, एंड दिस लेवल इज नोन एज 11540। 11540 को पार करना इसके लिए अभी टेढ़ी खीर हो गया। अगर इसको पार कर दिया तो फिर स्काई इज द लिमिट हो जाएगा इसके लिए। तो ये चैनल मैंने आपके सामने बना दिया, चैनल का लोअर एंड बन रहा है 950, अपर एंड बन रहा है 540, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट लेवल्स बताना ज़रूरी था। अब आ जाइए 4 आवर्स का आज का कैंडल क्या है। अब आप देखिए इसको, इससे बड़ा सबूत नहीं होता। मैंने कभी भी आप लोग को एक चीज़ सिखाया था, मेरे हर वेबिनार में भी बताता हूँ, जब भी मंदी से तेजी में कन्वर्ट होना होता ना तो एक बड़ा हैमर बनता है, बड़ा हैमर, लॉन्ग लेग्ड हैमर। अब देखिए इस हैमर में ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग सेम है। इसको देखेगा इस कैंडल, ये 4 आवर्स की है, मतलब पहले 4 घंटे में निफ्टी ने रुलाया आज। पहले 4 घंटे में मतलब 9:15 से लेके 10:15, 11:15, 12:15, 1:15 तक रुलाया। 9:15 से 1:15 तक रुलाया इसने। 9:15 से 1:15 तक इसने क्या किया, 258 का हाई बनाया, 258 की ओपनिंग किया और 259 का हाई बनाया। ओपनिंग वाज ऑलमोस्ट हाई, और 11080 तक का लो बना दिया पहले 9:15 से 1:15 तक, और 128 पे क्लोजिंग किया। दूसरा जो 1:15 से 3:30, 1:15 PM से 3:30 इसने क्या किया, ओपन, ध्यान दीजिएगा ओपनिंग कहाँ किया, 127 पे, जहाँ पे इसने क्लोज किया था पिछली, है ना, 1:15 पे। तो ओपनिंग 127 पे किया, इसने डिप मार के 100 पॉइंट का डिप मारा ओपनिंग से। डिप कितना मारा इसने, 11024 तक का, यानी 100 पॉइंट नीचे गया, यानी कि सबका माल वहाँ से खींच लिया। वापस क्लोज कहाँ किया इसने, अब देखिए क्लोज कहाँ किया, 11135 पे, मतलब जहाँ ओपन किया उससे 8 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, आखिरी का 1:15 से 3:30 वाला, जबकि 100 पॉइंट की डिप मार दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सेलर्स ने मार्केट को पुश तो किया नीचे की तरफ, पुश किया बहुत, ठीक है, लेकिन बायर्स ने वापस पुल बैक करके जहाँ ओपन किया वहीं ला दिया, यानी कि सबके माल खींच लिए गए। तो इस कैंडल को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि कल किसी भी हालत में मंदी नहीं आएगी, आएगी तो 2 बजे के बाद ही आएगी। कल फर्स्ट हाफ कल टोटली बुल्स को बिलोंग करेगा 2 बजे तक का, एंड इट्स माय एश्योरेंस ऑन यूट्यूब, ठीक है। सिर्फ इस कैंडल के बदौलत बोल रहा हूँ, दिस कैंडल इज ए मिरेकल कैंडल, ये कल आपको साबित हो जाएगा। इसीलिए मैं बोला था हैमर का तैयारी रखिएगा।
और इस तरह का हैमर जो होता है ना, बहुत लॉन्ग ब्लेड, इसको हैमर भी नहीं बोलते एक्चुअली, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, क्योंकि ये डोजी, डोजी में नियम क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग शुड बी सेम, लेकिन इसको सेम ही मान सकते हो। जब 28 पे ओपनिंग हुआ, 128 पे और 135 पे क्लोज किया, तो कितना पॉइंट? 7 पॉइंट का। और डंडी कितनी बड़ी है? 100 पॉइंट की। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है और ये बहुत कारगर होता है जब मंदी से तेजी में कन्वर्ट होना रहे बाजार को, ठीक है? तो ये कल साबित कर देगा आपको बैंक निफ्टी। पहले इसका हम लोग डेली चार्ट देखते हैं, ठीक है? तो इसने डेली में तो आपको मैंने बता ही दिया, वेज के ऊपर क्लोज किया, ठीक है? वेज के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वेज बना बना के मैं टाइम पास नहीं करूँगा। इसमें तो डेली में ही एक हैमर बन गया, ये क्या बन गया? डेली में एक हैमर बन गया। तो हैमर अपने आप में क्या होता है? एक रिवर्सल पैटर्न होता है। डेली चार्ट में एकदम डाउन ट्रेंड का बॉटम में कभी भी हैमर बनता है वो रिवर्सल का गारंटी होता है, नॉट वारंटी, वो गारंटी होता है। तो बैंक निफ्टी रिवर्सल इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गारंटीड इफ देर इज ए इंडिया चाइना वार टाइप कोई न्यूज़ नहीं आ जाए तो, ठीक है? इज ऑलमोस्ट गारंटीड फॉर टुमारो, क्योंकि हैमर बना डेली कैंडल में। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं 4 आवर्स की कैंडल में, ठीक है? देखिए भाई साहब, व्हाइट कल पहला 4 घंटा इसने मंदी दिखाया। देखिए इसका पहला 4 घंटा इसने क्या किया, 350 पे ओपनिंग किया, 365 का हाई बनाया, 21,045 का लो बना के 21,119 पे क्लोज किया। ये आपको ऊपर दिख रहा होगा ना, ठीक है? 350 का ओपनिंग किया, 365 का हाई बनाया, 21,045 का लो बनाया, 21,119 का क्लोजिंग किया पहले 4 घंटे, 1:15 से 1:15। फिर 1:15 से इसने क्या किया, ओपनिंग क्या किया, 248 की ओपनिंग की, 821 का सॉरी 119 की ओपनिंग की, 119 पे ओपनिंग किया, 248 का हाई बनाया, 820821 का नया लो बनाया, जो कि इसकी ओपनिंग से लगभग 300 पॉइंट डाउन है। ओपनिंग कितना किया इसने, 21,119, और लो बनाया 20,821, यानी कि 300 पॉइंट नीचे ले जाके सबका माल खींच लिया और जहाँ ओपन किया वहाँ से ऊपर क्लोज किया। क्योंकि ओपनिंग कितनी दिखा रही है, 119, और क्लोजिंग दिखा रही है 247, मतलब जहाँ ओपन किया वहाँ से 150 पॉइंट ऊपर क्लोज किया और नीचे ले गया था 300 पॉइंट, यानी कि ये 450 पॉइंट खींच दिया नीचे से। क्लोजिंग कहाँ किया, 247। तो ये हैमर निफ्टी से भी ज़्यादा ज़बरदस्त हैमर है, लेकिन ये 4 आवर्स में है। तो ये इसमें डेली में भी हैमर बन गया और 4 आवर्स की कैंडल में भी, सेकंड कैंडल में हैमर बना 1:15 से 3:30। तो इसको तो कोई 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 की ताकत नहीं है कल रोकने, इम्पॉसिबल है ये कल तेज नहीं हो, एक्सेप्ट कोई वार टाइप कोई न्यूज़ नहीं आ जाए। दैट्स इट, इतना ही है, ज़्यादा कुछ बोल के अब मतलब नहीं है। और मैं एक बार आपको वेबिनार की डिटेल ज़रूर दिखा देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे कि आना चाहिए, इस भाई से सीखना चाहिए तो आइएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, है ना? आपके पैसे हैं, आपका मन है, और मेरा वीडियो भी तभी देखे जब आपको मेरे पर भरोसा रहे। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, 100 में मैं 25 बार रॉन्ग भी होऊंगा, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन मैं आपको गलत सलाह देने का मोटिव से कभी भी काम नहीं करता हूँ और ना आपसे कोई पैसे मांगता हूँ, ठीक है? तो आज का वीडियो को अगर आप लोग स्किप करके मत देखना, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपकी नॉलेज इतनी बढ़ेगी कि इस लेवल की नॉलेज कोई देता नहीं है, ठीक है? तो ये अपकमिंग वेबिनार जो है, एक ही बचा है, 3 और 4 अक्टूबर वाला, 12,000 रुपये फीस है, सीट थोड़ी सी बची है, आप लोग जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद बर्थडे स्पेशल जो है 17-18, इसमें मैं सीट सोच सोच के दे पाऊँगा, हर किसी को नहीं दे पाऊँगा, तो आप पूछिएगा। और इसका पेमेंट सेम डे नहीं किया तो ऐसे भी नहीं दूंगा,
सेम डे अगर आपने पेमेंट नहीं किया जिस दिन इंक्वायरी की, तो नहीं दूंगा, ठीक है। कंटेंट आपको कुछ बताया नहीं जाता, आपको नाम, सिटी का नाम और अपनी एक सेल्फी व्हाट्सएप करना रहता है, आप कॉल मत कर लीजिएगा वरना ब्लॉक हो जाओगे। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अगर आज की मेरी मेहनत पसंद आई तो लाइक के बटन दबाइएगा, वरना जो लोग स्टार्टिंग में वीडियो देखते हैं डिसलाइक करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिसलाइक दबाते रहिए। लव यू ऑल।